नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में यूपी में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। प्रियंका गांधी इस चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ ताल ठोक रही हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने आज रामपुर में रोड शो किया, जहां उनके रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। एक बार ये वीडियो देखिए। इस बीच प्रियंका गांधी ने एक मोटर मैकेनिक से भी बात की और उसे अपने चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में बताया। लेकिन आपको फिर भी बिजली की बिल भरना पड़े, तो इसमें लिखा है कि जिसकी जो बिजली के बिल माफ करेंगे और जो कोरोना में जो बकाया था बिजली का वो साफ कर देंगे, तो आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कई ऐसी घोषणाएं हैं जो आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी लगी तो बांट दीजिए। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता को गरीबी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनको वोट देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो और घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है। यही नहीं, इन चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात भी कही। पिछले 30 सालों में ये पहली बार है जब कांग्रेस अपने दम पर अकेले यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।